हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और हम आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और हमने आपसे वादा किया था कि कल हम आपका दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे जो आपका ठोस अवस्था के बारे में होगा। तो ठीक है, बिना टाइम लिए हम आपका ठोस अवस्था स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपकी हेडिंग लगी हुई वो आपकी है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? जैसे कि हम यदि बात करें तो किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे आपका ये पेंसिल है, ये पेंसिल आपकी ठोस अवस्था में है। अब लोग कहेंगे कि ये पेंसिल ठोस अवस्था में कैसे है, तो आओ जानें। सबसे पहले इस पेंसिल को हम देखें तो इसके आयतन और आकार दोनों क्या है, निश्चित हैं। और यदि इस पेंसिल को हम तोड़ें तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके कण एक दूसरे से आपस में बहुत पास पास जुड़े हुए थे और इनके बीच की जो दूरी है बहुत ही न्यूनतम होती है। यदि हम बात करें इसको, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर के जो छोटे छोटे रंध्र दिखाई पड़ेंगे, जो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ेंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत पास पास दिखाई पड़ेंगे और उनके बीच की दूरी बहुत ही न्यूनतम होगी। अतः हम क्या बता सकते हैं कि ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कणों के बीच की दूरी न्यूनतम हो और उनके बीच जो बल लग रहा हो, अंतरा आणविक आकर्षण बल, वह क्या हो, अधिकतम हो। तो आओ हम देखते हैं ठोस अवस्था के डिफिनेशन के बारे में। तो ठोस अवस्था क्या है, तो यदि हम देखें इसकी डिफिनीशन तो ठोस अवस्था हमने बताया पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच की दूरी न्यूनतम हो तथा उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप बात कर लीजिए जल की, H2O, तो जल आपका एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है जनरली, और आपका गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो क्लास 11th में आपने गैसियस फेज के बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में अध्ययन कर लिया होगा और यहाँ पर क्लास 12th में हम अध्ययन करें आपकी ठोस अवस्था क्या होती है। तो जैसा कि अभी आपको हमने एक पेंसिल के एग्जांपल से बताया कि पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कणों के बीच की दूरी न्यूनतम हो और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, वह क्या हो, आपकी अधिकतम हो। यहाँ से आपके एग्जाम में हो सकता है आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि ठोस अवस्था क्या होती है। इसके बाद हम यदि थोड़ा सा आगे चले तो हम पाते हैं अगली हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है। अब आओ हम देखें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होती क्या है और इसे किस आधार पर बांटा गया है। यदि हम बात करें ठोस की, तो ठोस में कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित भी हो सकती है और कणों की व्यवस्था अनियमित भी हो सकती है। यदि कणों की व्यवस्था नियमित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, और यदि कणों की व्यवस्था अनियमित होगी, अनियमित ज्यामिति व्यवस्था होगी, तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, आओ देख, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, या इन दोनों के बीच में कोई दो या तीन अंतर पूछ लेते हैं। तो डायरेक्टली हम आपका क्रैश कोर्स है, तो इन दोनों के बारे में हम अंतर भी बता देते हैं और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांट दिया गया, एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की। तो हमने यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस लगाया है, आप देख रहे हैं आपकी जो हेडिंग है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आओ हम इन दोनों के अंतर की बात करें, तो एक यहाँ पर हम आपका लिख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ पर हम आपका लिख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने क्रिस्टलीय ठोस लगाया और यहाँ पर हमने लगाया अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो सबसे पहले हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, कि कणों की व्यवस्था क्या होगी, नियमित होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ठोस है, हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई ठोस है और ये ठोस दो कणों से मिलकर बना हुआ है, एक कण है आपका ए और एक कण है आपका बी। एक ठोस है, हम इसे मान रहे हैं ये दो कणों से मिलकर बना हुआ है, एक कण है आपका ए और एक कण है आपका बी। अगर इन कणों की व्यवस्था नियमित होगी, जैसे ए लिया, इसके बाद बी आए, फिर आपका ए आए, फिर आपका बी आए, फिर आपका ए आए, फिर आपका बी आए, और फिर यहाँ से हम देखते हैं बी आए, फिर आपका ए आए, फिर आपका बी आए, फिर आपका ए आए, फिर आपका बी आए, और फिर आपका ए आए। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ ए आए, फिर आपका बी आए, फिर ए आए, और फिर बी आए, फिर आपका ए आए, और फिर आपका बी आए। यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के बाद आपका बी आ रहा है, फिर बी के बाद आपका ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद ए, फिर बी ए के बाद बी आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए बी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद फिर ए आ रहा है, ए के बाद फिर बी, और ए के बाद फिर बी, और एक बाद फिर बी आ रहा है। मतलब यदि हम यहाँ पर देखें कणों की व्यवस्था की बात करें, तो कणों की व्यवस्था क्या है यहाँ पर, नियमित है। तो यदि कणों की व्यवस्था नियमित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिसमें जिसमें कणों की व्यवस्था, जिसमें कणों की व्यवस्था नियमित, कणों की व्यवस्था नियमित नियमित होती है, नियमित होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप चाहे ये कह दीजिए ऐसे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था क्या हो, नियमित हो, या हम कह सकते हैं कणों की नियमित ज्यामिति व्यवस्था हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, जैसे हमने माना कि आपका कोई क्या एक ठोस है और जो ए व बी अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, तो यदि हम यहाँ पर इनके व्यवस्था की बात करें, तो देख रहे हैं हम यहाँ एक ए है, इसके बाद फिर आपका बी है, फिर आपका ए है, फिर आपका बी है, फिर आपका बी है, फिर बी बी आ जा रहा है आपका, फिर यहाँ हम देख रहे हैं ए आ रहा है, बी आ रहा है आपका, फिर आपका ए आ रहा है, फिर आपका ए आ रहा है, फिर आपका ए आ रहा है, फिर आपका ए, फिर बी आया, फिर बी आया, और थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर आपका बी 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 आ गया, फिर आपका ए ए आ गया, फिर आपका बी आया, फिर ए आ रहा है। यहाँ पर हम देखें यदि कणों की व्यवस्था को देखें, तो कणों की व्यवस्था यहाँ पर ए रहा, फिर बी आया, फिर ए रहा, फिर बी आया, हाँ तो नियमित है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी 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 आया, फिर बी ए, फिर ए ए, फिर बी बी, फिर बी 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 आया, फिर ए आया, फिर ए, फिर बी ए। मतलब जो कणों की व्यवस्था आ रही है ना, वो यहाँ पर क्या है, अनियमित है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो कहने का मतलब है हमारा कि ऐसे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था, जिसमें कणों की ज्यामिति व्यवस्था अनियमित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। मतलब कहने का यही निकला, मतलब कहने का क्या निकला, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिसमें, ऐसे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था, ऐसे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था अनियमित हो, कणों की व्यवस्था अनियमित हो, या तुम ये भी कह सकते हैं अनियमित ज्यामिति व्यवस्था हो, दोनों एक ही बात है, अनियमित ज्यामिति, अनियमित ज्यामिति व्यवस्था हो, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो उसे हम आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर कणों की व्यवस्था नियमित होगी, नियमित ज्यामिति व्यवस्था होगी, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, और अनियमित ज्यामिति व्यवस्था होगी तो अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से एक नंबर का मार्क्स आपका बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब यदि हम अगले अंतर की बात करें, कि यदि यहाँ पर हम यदि देखें गौर से, देखिए ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब इन यहाँ पर देखें तो कणों की व्यवस्था क्या है, नियमित है, और ये कणों की व्यवस्था एक नियमित रूप से चली जा रही है। मतलब कणों की व्यवस्था क्या है, दीर्घपराशी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर बी 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 आ गया, मतलब कणों की व्यवस्था कहीं पर नियमित है और कहीं पर अनियमित हो गई। तो मतलब कणों की व्यवस्था यहाँ पर क्या है, दीर्घपराशी न होकर के लघुपराशी है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था दीर्घपराशी होती है, दीर्घपराशी होती है,
कणों की व्यवस्था दीर्घपराशी होती है। और आपका यदि हम देखें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इसमें हम बताएंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। क्या बच्चों इतनी बातें समझ में आई कि क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें जो कणों की व्यवस्था होगी वो दीर्घ परासी होगी, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें कणों की व्यवस्था क्या होगी, लघु परासी होगी। तो ठीक है बच्चों, और हम तीसरे अंतर की, थर्ड डिफरेंस की बात करें। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित होती है, इसलिए इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित होते हैं, इसलिए इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तो हम तीसरा अंतर लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की कणों की व्यवस्था नियमित होती है। लेकिन अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में, इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, इसलिए इनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ हमने तीन अंतर की बात कर लिया, और आपके बोर्ड एग्जाम में केवल दो ही अंतर आते हैं, लेकिन कुछ और अंतर हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे समदैशिकता विषमदैशिकता है आपकी, आपका आभासी ठोस है, आपका वास्तविक ठोस है, आपका खुरदरी तल है और आपका समतल तल है, और इसके बारे में बात करें। जैसे कि हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस में पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 में हमने बताया आपको कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस हम किस लिए कहते हैं कि जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह एक निश्चित बिंदु पर जाकर के गलता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारा आभासी ठोस बनता है, मतलब सबसे पहले वो सॉफ्ट होता है, इसके बाद वह गलना शुरू होता है। तो कहने का मतलब जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा उसे वास्तविक ठोस कहेंगे, और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसे हम आभासी ठोस कहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं वास्तविक ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं आभासी ठोस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, आभासी ठोस कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसके पीछे हमने आपको रीजन बता दिया कि क्रिस्टलीय ठोस होगा तो वह एक निश्चित बिंदु पर जाकर गलेगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस सबसे पहले सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसके बाद गलता है। जैसे हम किसी प्लास्टिक को देखते हैं कि जब हम किसी प्लास्टिक को गलाते हैं, पिघलाते हैं, तो क्या है, सबसे पहले वो सॉफ्ट होता है, इसके बाद फिर गलना स्टार्ट होता है। तो यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, हो गया आपका पॉइंट नंबर 5 की, जब भी हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को कट करेंगे, जैसे कि हमने बात किया कि ये आपका क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे ने बात किया यह ही आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, देखिए यदि हम इस क्रिस्टलीय ठोस को किसी भी धारदार चाकू से काटे, जैसे हमने चाकू से काटा, जैसे हमने यहाँ पर क्या इतना इरेज कर दिया, तो यदि हम इस सतह की बात करें तो ये सतह हमेशा क्या आएगी, आपकी समतल सतह आएगी, लेकिन यहाँ की बात करें यदि हम इसे किसी चाकू से काटेंगे तो आपकी क्या आएगी, फिर देखिए अगर इतना काट दिया तो आपकी क्या है, कुछ ऐसे इस प्रकार के कट क्या होंगे, बचे रह जाएंगे जो इसकी सतह से खुरदरे होने का बोध कराएंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार चाकू से काटने पर समतल
सतह प्राप्त होती है, समतल सतह प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम आपके अकृष्टीय ठोस को काटें तो आपकी खुरदरी सतह प्राप्त होगी। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि अकृष्टीय ठोस को धारदार चाकू से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है, खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आएगी। अब हम आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वह आपका समदैशिकता और विषमदैशिकता, जो आपके एग्ज़ाम में आना पक्का है। लगभग 95% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आपका 1 से 2 नंबर देकर जाएगा सॉलिड स्टेट से। तो इसे ज़रा गौर से आप देखें। बात करें समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपकी क्रिस्टलीय ठोस में, मान लेते हैं ये आपकी समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है इसके बारे में। तो समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या है, जैसे हमने किसी ठोस के इस प्रकार के अवयवी कण बना दिए, ये हमने आपकी एक ब्लू से कलर कर दिया और एक हमने ब्लैक से कलर कर दिया, फिर हमने क्या किया, फिर हम यहाँ पर एक ब्लू से कलर कर रहे हैं, फिर आपका क्या है, एक ब्लैक है। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया, ब्लू से कलर कर दिया, सबसे पहले यहाँ पर हमने ब्लैक से किया है, इसके बाद हमने फिर ब्लू से किया आपका, फिर हमने यहाँ पर आपका क्या कर दिया, ब्लैक से कर दिया। और इसके बाद आपका क्या, ये अक्रिस्टली ठोस है इसलिए कणों की व्यवस्था निमित्त तो होगी नहीं, तो कहीं पर और भी आपके इस प्रकार से ब्लू होंगे और कहीं से आपके ब्लैक होंगे, इस प्रकार से कणों की व्यवस्था पा जाएंगे। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में चलें तो हम क्या देखते हैं कि आपकी एक तरफ ब्लू बाल्स आएंगे, देखिए एक तरफ ब्लू बाल्स आएंगे और एक तरफ क्या, ब्लैक बाल्स आ रही हैं। मतलब यहाँ पर कणों की व्यवस्था इस प्रकार से है, यदि हम यहाँ से देखें तो इस प्रकार की हम कणों की व्यवस्था पाएंगे। लेकिन यही डायरेक्शन ये इस प्रकार का डायरेक्शन बना दे, तो इस प्रकार का डायरेक्शन बना दे, यही से यहाँ से हम देखना शुरू करें तो क्या होगा आपका, यदि यहाँ से देखना शुरू करें तो आपका क्या, सबसे पहले ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक। मतलब कणों की व्यवस्था यहाँ पर क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या है, कणों की व्यवस्था अलग है। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, जिसके कारण ठोसों के अपवर्तनांक, ठोसों की चालकता प्रभावित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम दैशिकता का गुण कहते हैं। लेकिन बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कणों की व्यवस्था अनियमित ही है, किसी भी डायरेक्शन में चलिए तो आपको अनियमित ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक नियमित मिली थी, फिर यहाँ पर एक अलग प्रकार व्यवस्था मिलने लगी, लेकिन यहाँ पर देखिए अनियमित है, इसलिए इस ठोस को हम अनियमित कणों की व्यवस्था मानकर ही चलते हैं। यहाँ पर कणों की व्यवस्था क्या है आपकी, अनियमित है। कणों की जो व्यवस्था है आपकी क्या है, अनियमित है, अनियमित है। इसलिए यदि हम बात करें इन ठोसों के, इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक आपके क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इनके अपवर्तनांक की, यदि हम बात करें इनकी चालकता की, तो अलग अलग दिशाओं में इनके एक ही मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समदैशिकता का गुण कहते हैं। तो आओ इनकी बात करें, तो विषमदैशिकता हमने सबसे पहले यहां देखा, विषमदैशिकता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। इसलिए अपवर्तनांक, चालकता अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है,
अलग अलग होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम दैसिकता का गुण कहते हैं, जिसे विषम दैसिकता का गुण, विषम दैसिकता, जिसे हम विषम दैसिकता का गुण कहते हैं। यदि हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, मतलब समदैसिकता, समदैसिकता, हमने आपको बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस की जो कणों की व्यवस्था है अनियमित ही मान ली गई है, अनियमित ही मान ली गई है, और इनके जो गलनांक और इनके जो अपवर्तनांक और जो इनकी चालकता पाई गई है वह क्या पाई गई है, एक समान पाई गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के, अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था, अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, अनियमित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था प्रत्येक डायरेक्शन में अनियमित ही मिलेगी, इसलिए इसलिए अपवर्तनांक, चालकता एक जैसी होती है सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रहती है, समान रहती है, जिसे समदैसिकता का गुण कहते हैं, जिसे समदैसिकता का गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा गौर कर चलिएगा कि समदैसिकता क्या है और विषम दैसिकता क्या है आपका, क्योंकि यहाँ से आपके एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से एक नंबर के बनेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने एक नंबर आप हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ठीक है बच्चों, तो हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है इसे देख लिया है। चलो हम अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं इसके बारे में अध्ययन। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है इसके बारे में देख लिए थे, आओ हम आपको कुछ क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल बताते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, जितने भी आपके धातुएं होते हैं वो आपके क्रिस्टलीय ठोस मानी जाती हैं, जैसे कि आपका Na हुआ, जैसे कि आपका Ca हुआ, और भी K हुआ, पोटेशियम, इसके बाद बहुत सारी धातुएं हैं जैसे आयरन हुआ, ये सब क्या है आपके क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है क्या है, जैसे आपकी लकड़ी है, जैसे आपका प्लास्टिक का बर्तन है, ये सब क्या माने जाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस माने जाते हैं। ठीक है, आओ हम अगली डिस्कशन करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य रूप से अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड आपके चार होते हैं। एक है आपका आयनिक ठोस, इसके बाद है आपका सहसंयोजी ठोस, इसके बाद है आपका धात्विक ठोस, और फिर आपका है आणविक ठोस। अब ये होते क्या है और इनके बारे में जानें। तो आपके आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं ना बच्चों, वो आपके क्या होते हैं, आयन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आयन होते हैं। और बात करें हम आपके सहसंयोजी ठोस के, तो सहसंयोजी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके परमाणु होते हैं। और कैसे परमाणु, जो आपके क्या हों, लग अधातु होते हैं, ये आपके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी ठोस बनाते हैं। और सहसंयोजी ठोस को एक ठोस और भी कहते हैं, हम इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें जानना चाहिए कि जो आपके सहसंयोजी ठोस होंगे उनके अवयवी कण एक दूसरे से मिलकर त्रिविमीय जालक व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए इसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसके बाद आता है आपका धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो आपके धातु होते हैं, और धातु के साथ साथ आपके क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि हम बात करें आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस के जो अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आओ अब हम जान लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है, अगर हमारे यूपी बोर्ड में आएगा तो इनके अंतर के बारे में आ सकता है, या तो एक या दो पॉइंट आपसे पूछ लेगा कि ये क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, वो आपका पिछला क्वेश्चन रहा, तो आपका पूछ सकता है आयनिक ठोस क्या है, सहसंयोजी ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है, आणविक ठोस क्या है। तो ठीक है, आओ इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपकी आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को हम आयनिक सॉलिड भी कहते हैं, आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं आपका, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक ठोस आपका क्या होता है, तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। जैसे कि हम घर में देखते हैं पहले के टाइम में, अभी आता है आपका ढोका वाला नमक,
NaCl वो आपका क्या है, आयनिक ठोस होता है। तो आपका NaCl जो है सोडियम क्लोराइड से हम कहते हैं, वो आपका क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। तो यदि हम बात करें आयनिक ठोस के, तो आयनिक ठोस के अवयवीकरण आयन होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवीकरण आयन, आयन का क्या मतलब है, ये आपके धनायन भी होंगे, धनायन व ऋणायन होते हैं, धनायन व ऋणायन होते हैं। अब देखिए आयनिक ठोस के जो अवयवीकरण क्या है, आयन है। अगर आपका एक धनायन है और एक आपका क्या है, ऋणायन है, तो जाहिर सी बात है इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा मतलब इन कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जो बहुत ही प्रबल होता है। कहने का मतलब है आयनिक ठोस के कणों के बीच, आयनिक ठोस के अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसलिए आयनिक ठोस के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस आपका जो है कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है। अब भंगुर क्यों होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखें। जैसे हमने कहा कि ये आपका कि Na प्लस है, ये आपका एक कण है, अगला क्या है Cl माइनस है, दूसरा है, फिर क्या होगा आपका Na प्लस होगा, फिर अगला क्या होगा Cl माइनस होगा, इसके बाद इसके नीचे क्या होगा प्लस है, तो इसके नीचे क्या होगा माइनस होगा, ये Cl माइनस है, इसके बाद क्या होगा आपका Na प्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगा Cl माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा Na प्लस होगा। ये भंगुर क्यों होते हैं, यदि यहाँ पर देखें, यदि हम इसे थोड़ा सा कंप्रेस करें और कंप्रेस करेंगे तो आपका Cl के अटैच में आ जाएगा, Na के अटैच में आ जाएगा, तो आपका क्या होगा ये तुरंत ही बिखर जाएगा, मतलब भंगुर है। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं प्रबल ठोस होते हैं, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका NaCl है, जैसे आपका CHCl है, जैसा CHCl2 है, ATC, ठीक है बच्चों, ये आपका रहा आयनिक ठोस के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका सहसंयोजी ठोस, मतलब कि नेटवर्क ठोस क्या होता है। सहसंयोजी ठोस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस। अभी हमने आपको बताया कि सहसंयोजी ठोस के अवयवीकरण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। सहसंयोजी ठोस के सहसंयोजी ठोस के अवयवीकरण परमाणु होते हैं। तो पहला चीज, अब आपके जो अधातु होते हैं, तो अधातु मुख्य रूप से कौन सा बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। और आपके सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस आपके क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और सहसंयोजी ठोस आपके क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी ठोस आपके कठोर होते हैं लेकिन विद्युत के कुचालक होते हैं,
ठीक है बच्चों। अगर यदि हम बात करें अगली पॉइंट सहसंयोजी ठोस को, हम नेटवर्क ठोस कहते हैं क्यों, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं आपका एक पॉइंट नेटवर्क ठोस। अब सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं क्यों, तो आओ हम इसे देखें। सहसंयोजी ठोस के अवयवीकरण, सहसंयोजी ठोस के अवयवीकरण आपस में जुड़कर त्रिविमीय जाल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। अवयवीकरण आपस में जुड़कर त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं इसलिए इसको नेटवर्क ठोस कहते हैं अगर हम बात करें जैसे कि आपका क्या है सहसंयोजी ठोस, आपने देखा होगा डायमंड, तो डायमंड आपका क्या है सहसंयोजी ठोस में आता है। आपने देखा होगा ग्रेफाइट, ठीक है हम आपको ग्रेफाइट हमारे पास है, हम आपको ग्रेफाइट दिखाते हैं। देखिए आपकी जो पेंसिल की छड़ होती है वो आपकी ग्रेफाइट होती है, जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखाएँ तो आपकी पेंसिल की जो छड़ होती है वो आपकी क्या होती है ग्रेफाइट होती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा तो नहीं अच्छे से, ये आपकी जो पेंसिल की छड़ है ये आपकी क्या होती है ग्रेफाइट होती है, और ग्रेफाइट आपका क्या होता है विद्युत का चालक होता है। अब विद्युत का चालक क्यों होता है, विद्युत का चालक इसलिए होता है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत का चालक होता है। लेकिन वहीं आपका डायमंड, कहने का मतलब जो हीरा है, विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। यदि हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट आदि, ये क्या होता है हीरा जो होता है ये तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या होगा विद्युत का चालक होता है। अब चालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण विद्युत क्या होते हैं चालक होते हैं। ठीक है, ये आपका सहसंयोजी ठोस है, हम पूरे की बात नहीं करते, बहुत सारे सहसंयोजी ठोस की प्रॉपर्टीज़ है आपके जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान रखिए। दो या तीन प्रॉपर्टी आएगी, अगर आया भी तो दो या तीन पूछेंगे, इसलिए दो या तीन का हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ठीक है, अगर हम आपके अगले ठोस पर आएँ तो अगला ठोस आपका होता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं, वो क्या होते हैं धातु होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धात्विक ठोस के अवयवीकरण धातु तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया आयनिक ठोस में आपका आयनिक बंध पाया जाएगा, सहसंयोजी ठोस में आपका सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, तो धात्विक ठोस है तो जाहिर सी बात है धात्विक बंध पाया जाएगा। तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है, और धात्विक ठोस भी आपके क्या होते हैं ये भी कठोर होते हैं तथा विद्युत के चालक होते हैं। क्यों चालक होते हैं, क्योंकि इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपकी जैसे सब धातुएं हो सकती हैं, धातुएं जैसे आपका आयरन हो गया, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, ETC। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका धात्विक ठोस। और अब हम बात करेंगे आपका लास्ट जो आपका है धात्विक ठोस के बाद आपका आण्विक ठोस आता है, तो हम बात करेंगे आण्विक ठोस के बारे में। आण्विक ठोस को हम क्या कहते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। तो आण्विक ठोस के जो अवयवीकरण क्या होते हैं अणु होते हैं, और ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला है आपका उसको हम कह सकते हैं ध्रुवी, और दूसरा उसको हम कह सकते हैं अध्रुवी, और तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो इसके अवयवीकरण क्या होते हैं आण्विक ठोस के
आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। और ये आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ध्रुवीय ठोस हो गया, एक होगा आपका अध्रुवीय ठोस, और जो अगला आपका होगा वो होगा हाइड्रोजन बंधित ठोस। यदि हम बात करें ध्रुवीय ठोस की, तो ध्रुवीय ठोस क्या होगा, इसके अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। इसके अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय के क्या होंगे, इसके अवयवी कण क्या होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे। और हाइड्रोजन बंधित ठोस में क्या है, हाइड्रोजन बंधित ठोस में है कि इन ठोस में जो अणु होंगे वो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, जैसे कि आपका जल। इसमें आपको क्या, इन ठोस में अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइड्रोजन बंध अगर आपका कहीं पर ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं आपका नाइट्रोजन मिल जाए, और भी हैं आपके जो आपके हाइड्रोजन बंध फॉर्म करते हैं। जैसे बात करें हम जल की, तो जल क्या होगा, इस प्रकार से जल के स्ट्रक्चर होगी। और ये जल जो है आपका, देखिए ऑक्सीजन है जो विद्युत अणु होता है, और ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो ये क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध है। और यदि हम बात करें ध्रुवीय ठोस के, तो अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, और ध्रुवीय अणु होते हैं तो इनके बीच जो बंध पाया जाता है वो द्विध्रुव बंध पाया जाता है। तो इनके बीच जो बंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव बंध होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमने एक प्लस और एक माइनस है, माना एक आपके ये डाइपोल क्रिएट हुआ है, तो अगला माइनस होगा और प्लस, इस प्रकार से क्रिएट होगा, फिर माइनस होगा और फिर क्या होगा, प्लस होगा, इस प्रकार से क्रिएट होगा। यदि हम इसमें बात करें कि आपका अध्रुवीय ठोस क्या है, अध्रुवीय ठोस में जो आपका बंध पाया जाता है वह होता है आपका दुर्बल वैन डेर वाल्स बल, जिसको हम लंदन बल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है अध्रुवीय ठोस में दुर्बल वैन डेर वाल्स बल, जिसे हम लंदन बल भी कहते हैं, लंदन बल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, कुछ एग्जांपल देकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि ठोस HCl, अगर इनकी बात करें तो आपका जैसे ठोस O2, अगर हम बात करें इनकी बात करें हाइड्रोजन का, तो आपका हो सकता है जैसे H2O, NH3, ETC। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपकी बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका की। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अभी देख लिया कि ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, और इसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टली ठोस आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पर चार प्रकार देख लिया है। अब हम बात करते हैं आपकी अगली हेडिंग की, जो है आपकी क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। यहाँ से आप पाएंगे एक नंबर, तो तैयार रहिए ये हेडिंग को सीखने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक क्या होती है, तो क्रिस्टल जालक कणों की वह व्यवस्था होती है जिसमें कण आपस में मिलकर त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब, कणों की वह व्यवस्था जिसमें कण आपस में मिलकर त्रिविमीय ज्यामिति व्यवस्था बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी क्रिस्टल जालक की, तो बात कर रहे हैं आपके क्रिस्टल जालक की, तो आप कह सकते हैं वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कण
आपस में मिलकर, आपस में मिलकर त्रिविमीय, आपस में मिलकर त्रिविमीय व्यवस्था मतलब जालक बनाते हैं, बनाते हैं तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और अगली हेडिंग जो है आपकी वो है आपकी एकक कोष्ठिका, वह क्या है आपकी एकक कोष्ठिका। तो ठीक है बच्चों, इसको बताने से पहले हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है, आओ इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कुछ बाल्स हैं जिसको हमने ज्वाइन करके आपका एक जालक क्रिस्टल जालक बनाया हुआ है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपकी यदि इस प्रकार से हम ज्वाइन कर दें, अगर हम आपके इन बालों को इस प्रकार से ज्वाइन कर दें तो आपको क्या दिख रही है, एक क्रिस्टल जालक दिख रही है, एक त्रिविमीय व्यवस्था दिख रही है। मतलब ये क्या है आपका एक क्रिस्टल जालक है। अगर हम इस जालक को बनाना चाहें, ये बना कैसे होगा, तो यदि हम एक एकक कोष्ठिका रही अगर हम इसे निकालें और इसकी बार बार पुनरावृत्ति करें तो आपकी फिर ऐसे जालक और ऐसा जालक आपका तैयार हो जाएगा, मतलब करने का आपका क्रिस्टल जालक बन जाएगा। तो ये क्या है आपकी एकक कोष्ठिका है और ये क्या है आपकी पूरी क्रिस्टल जालक है। तो कहने का क्या मतलब है, तो क्रिस्टल जालक वह व्यवस्था होती है जिसमें अवयवी कण आपस में मिलकर के त्रिविमीय व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन आपकी एकक कोष्ठिका क्या है, तो एकक कोष्ठिका कणों की वह व्यवस्था होती है जिसको हम बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो हम इसमें हम बता सकते हैं एकक कोष्ठिका क्या है, तो वह छोटी सी छोटी इकाई, वह छोटी सी छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर, क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, यदि हम आपके एकक कोष्ठिका को बनाए तो सबसे पहले एकक कोष्ठिका बनाते कहते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल रहा और ये भी आपका एक रेक्टेंगल रहा, इन की सहायता से हमने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बना लिया। अब इस क्यूबॉइड के कोनों पर हमने क्या रखा, परमाणु रख दिया, तो ये आपकी क्या है एकक कोष्ठिका है, ये आपकी क्या है एकक कोष्ठिका है। तो देखिए ये आपका एक क्या है क्यूब है और इस क्यूब के कोनों पे क्या है, हमने एक परमाणु रख दिया है, तो ये आपके क्या बना, एकक कोष्ठिका बना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है आओ हम सीखें। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक आपकी सरल एकक कोष्ठिका होती है और एक होती है आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। और केंद्रित एकक कोष्ठिका आपके यूपी बोर्ड में तीन प्रकार की दिया हुआ है, एक है आपका फलक केंद्रित और एक है आपका अंत केंद्रित और एक है आपका अंत केंद्रित। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देख लिया आपकी दो प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है, एक सरल एकक कोष्ठिका है। तो सरल एकक कोष्ठिका क्या है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें आपके परमाणु क्या हो,
केवल कोनों पर उपस्थित हो, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कहाँ पर हो, केवल कोनों पर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, सरल एकक कोष्ठिका कहेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये आपके क्या है, कोने हैं, ये आपका क्या है, कोने हैं, तो परमाणु आपके क्या है, जो आपके परमाणु हैं, तो परमाणु मतलब इसको हम अणु भी हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको हम कंबाइन में क्या कह लेते हैं, आपका अवयवीकरण, अवयवीकरण। तो वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण क्या हो, केवल आपके कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल कहेंगे। और यदि कोनों के अलावा कहीं और पर भी अवयवीकरण पाए गए तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो कहने का मतलब है केंद्रित एकक कोष्ठिका की यदि हम बात करें तो आपके यदि परमाणु, यदि आपके एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों के अलावा कहीं और पर भी पाए गए तो उसको हम क्या कहेंगे, कोने के अलावा आपके परमाणु कहीं और पर भी पाए गए, जैसे आपके हो सकते हैं फलक पर पाए जाए, हो सकते हैं आपके परमाणु अंतःकेंद्र में पाए जाए, हो सकते हैं आपके परमाणु विपरीत फलकों पर पाए जाए, विपरीत फलकों पर पाए जाए। तो इस आधार पर आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है। अगर आपके फलक पर पाए गए तो फलक केंद्रित कहेंगे, अगर आपके अंतःकेंद्र में पाए गए तो अंतःकेंद्रित कहेंगे, और यदि आपके विपरीत फलकों पर पाए गए तो अंतःकेंद्रीय कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो ये आपके रहे तीन प्रकार के। तो एक क्या निकला आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। यदि आपके परमाणु कहाँ पर पाए जाएं, कोनों के अलावा, यदि परमाणु कोने के अलावा फलक पर भी पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। मतलब कोने के अलावा कहाँ पर पाए जाएं, आपके फलक पर भी पाए जाएं। तो आपको पता है कि आपका जो क्यूब होता है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके हमने 6 परमाणु को दर्शा दिया, एक परमाणु आपकी इस सरफेस पर है और एक परमाणु ऊपर है और एक ये वाला परमाणु बैक साइड है, ये परमाणु आपका आपके साइड है और ये परमाणु आपका नीचे है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ की बात कर लेते हैं, यदि हम इस एकक कोष्ठिका की बात करें, थोड़ा वीडियो आप करते हैं और झूला दे तुम्हें झूला, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की। यदि परमाणु आपके कोनों पर हो और कोनों के अलावा परमाणु आपके फलक पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। जैसे कि हम आपके लिए एक बाल से बनाकर लाए हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका समझाने के लिए, तो आओ हम इसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर इसे देखिए, ये आपकी एक एकक कोष्ठिका हमने बनाई है और आपके यहाँ पर जो परमाणु क्या है, देखिए आपके 4 परमाणु हैं और 4 परमाणु यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हैं और आपके यहाँ पर हैं 1, 2, 3 और 4। आप यहाँ पर देखिए जितने भी कोने दिखाई पड़ रहे हैं आपके कोने पे परमाणु हैं और आपका ये जो एक फलक है, फलक के केंद्र में देखिए, फलक के केंद्र में यहाँ पर भी परमाणु है और इस फलक के केंद्र में भी आपका परमाणु है और इस फलक पर भी यहाँ पर परमाणु और यहाँ पर भी आपके परमाणु हैं। मतलब यदि आपके परमाणु कोने पर हों, कहाँ पर भी ये हो, आपके परमाणु कोने पर हों और कोने के पर हों आपके परमाणु और कोने के अलावा फलक के केंद्र पर भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक। और यदि हम बात करें दूसरे की, तो फलक केंद्रित के बाद आता है आपका अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये रहा आपका अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो आओ इसे हम आपको दिखाते हैं। तो हम ये आपके लिए बनाकर लाए हैं एक अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए यदि हम बात करें, यदि एक आपकी एकक कोष्ठिका है तो यहाँ पर परमाणु कहाँ है, ये आपके कोने पर परमाणु है, यहाँ पर देखिए आपके कोने पर परमाणु है और कोने के अलावा आप यहाँ पर बीच में गौर करेंगे तो यहाँ पर भी परमाणु है। अगर आपके परमाणु कोने पर भी पाए जाए और यदि परमाणु आपके एकक कोष्ठिका के अंतः क्षेत्र में पाए जाए, अंतः क्षेत्र के केंद्र पर पाए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। मतलब क्या निकल कर आया, तो यदि आपके परमाणु कहाँ पर हो, आपके परमाणु आपके कोने पर हो और कोने के अलावा परमाणु कहाँ पर हो,
अंतः केंद्र में हो तो उसे क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। ये क्या है आपका? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है, और एक एकक कोष्ठिका बची हुई है जिसे हम कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आओ उसे हम सीखें। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका यह क्या है? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? यदि आपके परमाणु कोने पर उपस्थित हो और कोने के अलावा आपका परमाणु विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। जैसे हमने आपका एक एकक कोष्ठिका यहां पर हम बना रहे हैं आपका, ये हम आपका बना रहे हैं एकक कोष्ठिका, और एकक कोष्ठिका आपके कोनों पर हो और कोने के अलावा परमाणु किन्हीं तो विपरीत फलकों पर हो। जैसे हमने ये ले लिया एक फलक और एक फलक ये ले लिया, तो यहाँ पर आपके क्या है? अवयवी कण हैं, अवयवी कण हैं। ये भी क्या है आपके? अवयवी कण हैं। मतलब यदि आपके अवयवी कण कोनों पर हों और कोनों के अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर हों तो उसे हम क्या कहेंगे? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो हमने अभी तक देख लिया कि आपकी सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है। यदि परमाणु आपके कोने पर हों तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल एकक कोष्ठिका कहेंगे। और यदि आपके परमाणु कोने के अलावा और अन्य स्थितियों पर भी हों तो उसे हम क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, सॉरी उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका आपके तीन प्रकार के, एक आपका होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यदि आपके परमाणु कोने पर हों और उसके अलावा एकक कोष्ठिका के फलक के केंद्र पर हों तो उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे, और यदि परमाणु कोने पर हों और कोने के अलावा अंतः केंद्र में हों तो उसे क्या कहेंगे? हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। और यदि परमाणु आपके कोने पर हों और कोने के अलावा परमाणु आपके कहाँ पर हों? अंत्य कहेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप ध्यान रखें और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चाहे आपका FCC पूछ ले, चाहे आपका SCC पूछ ले, चाहे आपका FCC पूछ ले, और चाहे आपका ECC पूछ ले, तो यह आप तैयार रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। करते हैं आपकी एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर बात करते हैं एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण तो आपको हम यहां पर बता दें कि एकक कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं, एकक कोष्ठिका में कितने फलक होते हैं, और एकक कोष्ठिका में कितने किनारे होते हैं। तो यदि हम बात करें, यहां पर हम बना रहे हैं आपकी एक एकक कोष्ठिका, ये आपकी एकक कोष्ठिका, तो इसे जहां पर ये दो रेखाएं अगर के ज्वाइन हो रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कोने कहते हैं। ये सब क्या है आपके? कोने हैं। तो कितने कोने हैं? यदि हम बात करें एकक कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं तो काउंट करें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब कितने कोने हैं? 8 कोने होते हैं। यदि हम बात करें एकक कोष्ठिका में कितने फलक होते हैं तो काउंट करें आप, 1 फलक 2 फलक, आपके साइड 3 फलक, ये 4 फलक, ये 5 फलक और 6 फलक, मतलब एकक कोष्ठिका में कुल 6 फलक होते हैं। और यदि हम बात करें एकक कोष्ठिका में कितने एजेस होते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हो गया, 4 नीचे हो गए, तो 4 कितने हो गए? 8 हो गए, तो 8 और 1, 9, 10, 11, 12, मतलब यदि हम बात करें एकक कोष्ठिका के किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, तो किनारों की संख्या कितनी होती है आपकी? 12 किनारे होते हैं। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 किनारे होते हैं। आपके एकक कोष्ठिका में 8 कोने होंगे, आपके एकक कोष्ठिका में 6 फलक होंगे, आपके एकक कोष्ठिका में 12 किनारे होंगे। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि SCC में कितने परमाणु होंगे, FCC में कितने परमाणु होंगे। ये क्वेश्चन आपको बार बार आया हुआ क्वेश्चन, तो हम देखेंगे अब परमाणुओं का योगदान।